हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जॉइंट पेन के कारण उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है वो एक्सरे कराते हैं वो सीटी कराते हैं बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं लेकिन ऐसा सच कोई फ़ायदा नहीं होता है कुछ समय के लिए फ़ायदा होता है वो दवाई लेते हैं लेकिन उसके बाद वो स्वेलिंग वो स्टिफनेस और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जॉइंट पेन या पेन मैनेजमेंट के बारे में एक क्लियर कट कोई गाइडलाइन नहीं है फिजिशियन कई बार कुछ गाइड करता है तो फिजिशियन कुछ गाइड करता है न्यूरो फिजिशियन कुछ दूसरी दवाइयां दे देता है जिससे देखा यह जाता है कि जॉइंट पेन तो नहीं जाता लेकिन दूसरी और समस्याएं एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में सामने आती हैं जैसे कि लोगों को कई बार स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है या लोगों की क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है या लोगों का वेट बढ़ जाता है या लोगों को एडिमा मतलब शरीर पूरा भारी हो जाएगा हाथ पैर मोटे लगने लग जाते हैं कई बार कुछ लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए या बहुत जल्दी इफेक्ट के लिए कुछ स्टीरॉइड भी दे देते हैं तो इस्टीरॉइड से फिर दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं बी बढ़ जाता है एडिमा हो जाता है जॉइंट पेन और बुरी कंडीशंस डेवलप हो जाती है तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जॉइंट पेन के पीछे कारण क्या है और वो क्यों ठीक नहीं होता है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि आप जॉइंट पेन को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने खाने को ठीक करना होगा जब तक आप अपना फूड ठीक नहीं करेंगे आपका जॉइंट पेन ठीक नहीं होगा आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की जो प्रवृत्ति है जैसे हम बात पे कफ कहते हैं तो बात इफेक्ट यदि आपकी बॉडी में है और बात इफेक्ट को बढ़ाने वाले फूड यदि आप ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि यदि बहुत ज़्यादा आप अल्कलाइन आ, का जो एसिड का बैलेंस आपका यदि बिगड़ गया है और कुछ ऐसे फूड आप लेते हैं कि जिससे आपकी बॉडी में बात इफेक्ट यानी एडिमा जिसे हम कहते हैं एडिमा मतलब पानी वाटर आ, का जो लेवल है वो बढ़ जाता है जॉइंट मसल्स आपके स्टिफ और स्वेल कर जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपके फूड में आ, जो बाद वाला फूड है वो आपने ज़्यादा शामिल किया है जिसके कारण ये हो रहा है तो मैं आपको कुछ ऐसे फूड हैं जिसके बारे में बात करूँगा तो वो फूड आप अवॉइड करें या फिर आप मिनिमाइज़ करें आप अपनी डाइट से <coughs> बैंगन निकालें गोभी निकाल दें आलू कम खाएं जो अरबी है वो कम खाएं आप और दूसरा जो आपका राइस है राइस को आप या तो कम खाएं या फिर मिनिमाइज़ करें या राइस यदि आप खाना भी चाहते हैं तो राइस का मार्ड यानी स्टार्च का जो पार्ट है यानी वाटर वाला जो कंटेंट है आप उसको अलग निकालिए राइस को कभी भी रीबॉयल करके री करके ना खाएं। रेफ्रिजरेटर का फूड बॉयल्ड करके रीबॉयल करके खाने से आपके बॉडी के अंदर आपकी कैलोरी काप्स बढ़ता है और उससे आपका एडिमा बढ़ता है उससे बात इफ़ेक्ट बॉडी में बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी फर्स्ट लेवल पे आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा बंद करना होगा एंड सेकेंड आप लिक्विड इनटेक इंक्रीज करें बट आप पैक कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक प्रिजरवेटिव पैक फूड ये सब ना खाएं रिफाइंड इन एनी फॉर्म आप बंद कर दें रिफाइंड से मेरा मतलब है कि रिफाइंड कुकिंग ऑयल इमीडिएटली बंद करें उसके जगह आप मस्टर्ड ऑयल ऑलिव ऑयल या फिर प्योर देसी घी जिसे आप कहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लेवल पे आपका जो वाइट शुगर है इट्स ए रियली पॉइजन वो आपके जोड़ों के लिए वो आपके मसल्स के लिए हार्मफुल है इवन एक न्यू रिसर्च सजेस्ट करती है कि वो कैंसर का भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज है तो आप चीनी को भी बंद कर दीजिए उसके जगह आप गुड़ खाएं शक्कर खाएं पिंड खजूर खाएं आप, आप और दूसरा जो कोकोनट शुगर है वो आप ले सकते हैं सो so ये आपको इमीडिएटली रिप्लेस करना होगा अब मैं दूसरी आ, पॉइंट पे आता हूँ कि यदि आपको जॉइंट पेन होता है आपके एंकल में पेन है आपके जॉइंट में पेन है आपके नी में पेन है तो वॉकिंग से भी ज़्यादा हेल्पफुल एक्सरसाइज साइकिलिंग हो सकती है आप साइकिल चलाएँ घर पे जो फिक्स साइकिल है उस पर आप साइकिलिंग करें तो साइकिलिंग से आपके आपके नी आपके काटलेज आपके काफ मसल्स ये सब मजबूत हो जाएंगे और आपका पेन भी कम हो जाएगा यानी मस्कुलर एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी तो मस्कुलर हेल्प एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें तो ये सब आपको करने की आवश्यकता है अब एक ट्रीटमेंटल पार्ट है कि यदि आपको कोई डेफिशेंसी रिपोर्ट हो रही है लाइक कैल्शियम वाइटामिन डी तो आप वाइट वाइटामिन डी और कैल्शियम ले सकते हैं कुछ समय के लिए विद द कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन और यदि आपको नर्व्स के लेवल पे यानी मसल्स के लेवल पे ब्लड फ्लो का इशू है आपको स्टिफनेस होती है आपको टिंगलिंग होती है आपको क्रैम्प्स आते हैं आपको हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं आपके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है बॉडी के डिफरेंट लेवल पे आपको विटामिन बी ट्वेल्व कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ लेनी होंगी लाइक ए न्यूरोबियन और न्यूरोबियन प्लस और द मैगोन्यूरोन और आप कैल्शियम के लिए सेल्कॉल टाइप ऑफ मेडिसिन सेल्कॉल सी टी या सेल्कॉल एम ले सकते हैं फॉर द थ्री मंथ्स एंड द सेम विद द न्यूरो बियॉन फोर्ट एंड द न्यूरोन प्लस वो भी एक टेबलेट डेली आप थ्री मंथ्स ले सकते हैं प्लस मस्कुलर एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी एंड डाइटी रिस्ट्रिक्शंस प्लस दैट ट्रीटमेंट और मेक श्योर कि आप अच्छी नींद लें क्योंकि यदि आपको लगातार कम नींद मिलेगी और आपको हाई ब्लड प्रेशर है और आपको डायबिटीज़ है और आपको ओबिसिटी है यदि इन तीनों लेवल पे आप इनको नॉर्मल नहीं रखेंगे तो आपका जॉइंट पेन आपकी जॉइंट स्टिफनेस नहीं जाने वाली सो यू हैव टू मैनेज योर एसोसिएटेड प्रॉब्लम लाइक ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर एंड ओबिसिटी एंड एनी अदर प्रॉब्लम एलोंग विथ दैट आप ये सब करिए आपका ज्वाइंट पेन ठीक हो जाएगा और यदि उसके बाद भी आपको फायदा नहीं होता है तो आई यू कैन कंसल्ट विद कंसर्न फिजिशियन और दर्थो फिजिशियन थैंक यू वेरी मच इंड टेक केयर ऑर सेल्फ